जानता हूँ मैं थोड़ा लेट हूँ, लेकिन पेपर के बीच में मूवी तो देख नहीं सकता ना। लेकिन फाइनली मैंने भी डंकी और सलार मूवी देख ली, जहाँ दोनों ही मूवी मुझे काफी ठीक ठाक लगी, जिसे मैंने एक बार ही देखा और इंजॉय किया और शायद कभी और दोबारा जरूर देखूंगा। जहाँ दोनों ही मूवी की बात करेंगे, लेकिन शुरुआत डंकी से करते हैं। SRK और राजकुमार राणे की डंकी मूवी काफी फील गुड मूवी है। जहाँ इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो मूवी 5 दोस्तों की है, जिन्हें अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से विदेश जाना है, लेकिन उन्हें वीजा अप्रूवल नहीं मिल रहा, जिसके कुछ अपने रीजंस है। जिसके बाद उनके लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि वो लोग फैसला करते हैं कि वो डंकी का रास्ता अपनाएंगे विदेश जाने के लिए। अब ये डंकी वो लोग कैसे क्यों करते हैं या उसके बाद उनके साथ और क्या क्या होता है, वो तुम लोग मूवी देखकर जानो। डंकी मूवी मेरे लिए एक फील गुड मूवी थी, जहाँ 1.5 साल से जो हम वो मासी एक्शन मूवी देख रहे हैं, ये मूवी उसका एक एस्केप है। जहाँ मूवी की सबसे अच्छी बात यह है कि मूवी शाहरुख खान से ज्यादा राजकुमार हिरानी की फिल्म लगती है, जहाँ सभी कैरेक्टर्स को ऑलमोस्ट इक्वल इम्पोर्टेंस मिली है और विक्की कौशल ने जो परफॉर्मेंस दी है इस मूवी में वो नेक्स्ट लेवल थी। साथ में बाकी एक्ट्रेस ने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस किया, बट विक्की के लेवल को कोई भी टच नहीं कर पाता और जो इंटरवल के पास विक्की का सीन था उसने काफी ज्यादा हार्ड हिट किया था मुझे। साथ में मूवी का म्यूजिक भी काफी अच्छा है, खास करके जो सॉन्ग सोनू निगम ने गाया है वो तुम्हें काफी ज्यादा हिट करने वाला है। अगर मूवी में डंकी के प्रोसेस को और टाइम लेके समझाया होता तो मूवी और भी अच्छी लगती, लेकिन जो लास्ट में फुटेजेस दिखाए गए थे रियलिटी के वो भी काफी ज्यादा हिट कर। जहाँ अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो डंकी मूवी राजकुमार हिरानी का बेस्ट वर्क नहीं है, बल्कि उनके वर्क्स में सबसे लास्ट में आएगा, लेकिन उन्होंने अपना बार इतना ज्यादा हाई सेट कर रखा है कि उनका जो सबसे वर्स्ट मूवी है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया लगेगी आपको। डंकी से बढ़कर बात करते हैं सलार मूवी की, जो मुझे काफी अच्छी लगी क्योंकि इसके स्टार्टिंग रिव्यू की वजह से मूवी से मेरे एक्सपेक्टेशन काफी कम हो गए थे, जहां इसने मेरे को काफी जगह पर सरप्राइज कर दिया। अब बात करें अगर इसकी स्टोरी की तो सलार मूवी हमें एक फिक्शनल वर्ल्ड खंसार को दिखाती है, जहाँ एकदम डार्क पॉलिटिक्स चल रही है सत्ता में आने के लिए। अब अपना मेन कैरेक्टर इन सब में कैसे इन्वॉल्व होता है और क्या क्या करता है हम ये मूवी में देखते हैं। जहाँ मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग काफी अच्छी है, प्रशांत दिल जो इस मूवी के राइटर डायरेक्टर है उन्होंने इस मूवी को KGF के वर्ल्ड बिल्डिंग से भी एक स्टेप ऊपर ले गए हैं, और उनका जो अपना एक स्टाइल है कलर को प्रेजेंट करने का वो भी काफी बढ़िया लगा है मूवी में। सरार मूवी का फर्स्ट पार्ट मेरे को पर्सनली उसके सेकंड पार्ट का सेटअप ही लगती है, क्योंकि इस मूवी में हमें अधिकतर चीजें सिर्फ बताई जाती है, दिखाई नहीं जाती, जिसे सेकंड पार्ट के लिए बचा के रखा गया होगा। जहाँ इसका म्यूजिक ठीक था बट KGF वाली बात नहीं थी। अगर तुम KGF मूवी को देखोगे तो वहाँ पे हर सीन या कैरेक्टर के लिए अपना एक BGM यूज किया गया है, जो उसको अपनी एक यूनिक पर्सनैलिटी प्रोवाइड करता है। वहीं सलार मूवी में एक ही म्यूजिक को बार बार यूज किया गया है, जो उतना मजा नहीं देता। वहीं अगर एक्टिंग की बात करें तो पृथ्वीराज को काफी ज्यादा अंडर यूटिलाइज किया गया है, उनके कैरेक्टर को काफी कम रोल दिया, जिसकी वजह से उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस हमें उतनी अच्छे तरीके से देखने को नहीं मिली। वहीं प्रभास की बात करें तो उनको काफी कम डायलॉग्स दिए गए थे, लेकिन जहाँ पे उन्होंने अपने डायलॉग्स बोले और एक्शन सीक्वेंसेस किए वो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा था देखने में। अब देखते हैं कि सलार का सेकंड पार्ट कैसा निकलेगा। वैसे मूवी के लास्ट में सेकंड पार्ट का नाम रिवील किया जाता है, जो मैं तुम्हें यहाँ नहीं बताऊंगा, थिएटर में जाके देखना, और पोस्ट क्रेडिट सीन मूवी में है नहीं तो उसका वेट भी मत करना। ओवरऑल अगर तुम्हें कोई मासी मूवी से हटकर कोई फील गुड मूवी देखनी है, जिसे तुम अपने फैमिली के साथ देख कर काफी ज्यादा एंजॉय कर सकते हो, तो तुम्हें राजकुमार हिरानी सर की डंकी मूवी देखनी चाहिए। वही तुम्हें कुछ KGF जैसा देखना है या कोई मासी हैवी मूवी देखनी है जिसमें ए रेटिंग का भी टच हो, तो तुम्हें सलार देखनी चाहिए। बाकी तुम मेरे को कमेंट्स में बताओ कि तुमने दोनों में से कौन सी मूवी देखी है या दोनों देखनी है और तुम्हें कैसी लगी। साथ में एल्गोरिथम के हिसाब से तुम्हें मेरी ये वाली वीडियो सबसे ज्यादा अच्छी लगने वाली है, तो इसे भी जरूर देखना। साथ में मैं कल ट्रेवल मून का रिव्यू डालने वाला हूं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।